अगर आप एज अ गेस्ट यहां पर आना चाहते हैं तो आपको उनको ईमेल करना है meet@sandeepmaheshwari.com पर, और अगर आप यहां पर एज एन ऑडियंस आना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करना है मेरी वेबसाइट पे, दैट इज sandeepmaheshwari.com। आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपके पास में एक एंट्री पास आएगा, उसके बेस पे आप यहां पे आ सकते हैं। आप में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है आज के सेशन के लिए? अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना कि गेस्ट कौन है यहां पर जो आने वाले हैं मेरे साथ में, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में बोला है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, एक कदम चलना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप ही कुछ बड़ा होने लग जाएगा। और ये लाइव एग्जाम्पल है उस बात का, मतलब उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं करी कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, अपना जो करना है करते चले गए। अब आपको एक फाइनल हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा कौन है। अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने एक फ्रेंड का, जिसको मैंने सजेशन दिया था कि तू अगर ये करना चाहता है तो करना, तेरे को कौन रोक रहा है, लगाना रेडी। तो एक इंसान है, उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को और उसने एक्चुअल में अपनी शुरुआत करी एक रेडी से। उसका नाम है MBA चाय वाला। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली राहुल गिलोरे। How are you? All good, all good. Good to meet you. Hi. बैठिए, बैठिए। Thank you. मैं जब भी कोई यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके ऊपर पूरी रिसर्च करता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। मैंने इनके लेटेस्ट व्लॉग्स देखे, मैंने इनकी वीडियोस देखी, वो जो आपके इंटरव्यूज हैं वो मैंने देखे, तो वो देख करके मुझे एक आग नजर आई इनके अंदर। और जो भी इंसान जिंदगी में एक्चुअल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है अपने सपनों को, उसके अंदर गारंटेड आग लग जाएगी अगर उन्होंने इनके वीडियोस देखने शुरू कर दिए। ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में जाकर के स्पीचेस देते हैं, एक बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वर है। अभी मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे। यस यस, मेरे को सर जूते पसंद आ गए, जूते मैं पता नहीं जूतों के बारे में बोलेंगे, देखो मेरे जूते। ये बहुत क्विक लर्नर है, बहुत तेजी से सीखते हैं। यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ की एनर्जी को फील कर रहे हैं, और अभी जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करेंगे जो हो सकता है आज से पहले आपने कभी ना करी हो। तो अब मैं और ज्यादा इनकी तारीफ नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसे लगेगा इन्होंने पैसे दिए मेरे को चाय शुरू करने के। जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे, उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो, तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। आपको इस कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी जो उस टाइम लगता था कि, आप समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो। With the passage of time, आपकी सब चीज पूरी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस सोचो आप, पहली बात तो ये। तो थैंक यू वेरी मच संदीप सर, यहाँ के बड़ा सौभाग्य लग रहा है। मोटिवेशन की जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है देश में, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो, हिंदुस्तान में मोटिवेशन शब्द का कोई सिनोनिम है बॉस, तो वो इधर इंसान मेरे बाजू में बैठे हैं। क्योंकि हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है, मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज़्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग, धंधे सेटी हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ा बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा, किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। तो वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे वो सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो, MBA करने के बाद? आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर, आपका सारे वीडियोस देखा है।
मेरा आने का भी पर्पस ही है, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊं कि हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं, और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5-7-8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप समझ रहे हैं। पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो, अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप में से कौन है जो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज टू हैव बीन एबल टू सी यू लाइव, बिकॉज जो एनर्जीज आपके कंटेंट देख के मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी था, मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट हो गई हूँ, जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहिए रहती है, आई फील कंटेंट सर। थैंक यू सो मच फॉर लाइक इन्वाइटिंग मी। सो वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज़्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स, तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक कि वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी जिंदगी में आ गया, बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो भी हो जाएगा वो कर देंगे बस सर। बहुत डाउन ही डाउन देखे, हाँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियां लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना। आज आपको बोलूंगा कि पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है, सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है, वहां पर मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, MBA करके चाय बेच रहे, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहां पे मैं बहुत सारे इवेंट्स करता था, तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके, संदीप सर मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो मेरी चाय की दुकान पे आओ मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2500-3000 लोग आ गए उस दिन, मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी। सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई। तो चाय पीते थे तो उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई। अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद पता नहीं वो सिंगल थे कि नहीं थे। तो दैट डे आई फील के मुझे प्यार मिल, और आई वॉज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट, एवरीवन वाज मेकिंग फिल्म कि देयर इज अ गाय इन अहमदाबाद हु इज गिविंग फ्री चाय टू सिंगल्स, हमारा मसीहा कोई है तो वो है प्रफुल्ल बिल्लो और MBA चाय वाले। तो जो जो पढ़ाई, जो जो एजुकेशन, जो जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में किसी और बिलियन डॉलर कंपनी MNCs के लिए करता, वो अपनी चाय की दुकान में करती, तो आप देखो यहाँ बैठे हैं उस वजह से। अरे वाह, तो वो वाला चेरिस मोमेंट था। थैंक यू सो मच, प्लीज बैठो। फर्स्ट सर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। मुझे अपने लाइफ में व्हेन अब ये ऐसे क्वेश्चन है जब मैं पूछता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल, व्हाई वी आर हियर, व्हाई आई एम हियर, व्हाट्स माय पर्पस, एंड जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ, एंड आई डोंट थिंक मैं क्या करूँगा। यही तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोच ही सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो, काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बता दूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बता दूँ, आप मैं बता दूँ आप ये चीज़ को याद रखना, ठीक है? इसके पहले आप 1000 चीज़ सोच रहे हो, लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, MBA चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी, ये ऐसा सब सोच रहे हो, दिमाग ब्लैंक है आपका। अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है, जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज चुन लो। जो मैं बोलता हूँ कि जिससे मोहब्बत करते हो उसे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो, दूसरा ऑप्शन भी बुरा। तो मेरे को पता था मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था, मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था भाई, मैं अच्छी फैमिली से हूं, मैं तो चश्मा पहनता हूं, मैं आईफोन जानता हूं, मैं घड़ी जानता हूं, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था, मेरी शादी करवा दी समझ लो, अब मेरे को मोहब्बत करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो तलाक हो जाएगा मेरा, और तलाक हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एम आई राइट संदीप सर? एब्सोल्युट। तो आप ना सोचो मत, और किसी की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो। आज MBA चावला है संदीप महेश्वरी सर, मैं बोल रहा हूँ आपको अगला शो हमारा देखना ही नहीं चाहिए, आपको एक काम करना चाहिए, और आप देखना चाहिए कि अगली बार मैं संदीप सर के बाजू में कब बैठूंगा। पर्पस की टेंशन छोड़ दो, पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता, माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है। तो अपने काम पे ध्यान दो, जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर, वो ज्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है वो करना है वो करना है। ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते, आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूं, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूं लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है, छोटी सी रेडी लगाई वहां से शुरू करी, आज देखो यहां पर बैठे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो, छोटे से छोटा करो, काम करते रहो, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपने आप दिमाग वहां चलने लग जाएगा, वहां से करोगे कुछ और निकलेगा कुछ और,
बनोगे कुछ और अल्टीमेटली कुछ और एब्सोल्युटली करेक्ट, पता ही नहीं लगेगा, शुरू तो करो। एक सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे योगा में भी बहुत शौक है, और अभी मैंने जस्ट सर से इंस्पायर होकर यूट्यूब वीडियो स्टार्ट की है अपनी, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करूं और मेकअप की जो अपनी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करूं। पहली चीज़ तो ये एडवाइस उससे लो जिसने योगा में कुछ बेस्ट किया हो या मेकअप ने बाप बनाओ, उसका पीछे घूम जाओ कि मेरे को कुछ सिखाओ। दूसरी चीज़, आप अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि लाखों लोग हैं मेकअप कर रहे पूरे देश में, एम आई राइट और रॉन्ग? लाखों लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं, एम आई राइट? हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है, वही अदरक इलायची शक्कर वही है, पर कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि लोग आपको इज्जत देंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? तो योगा करते करते मेकअप करो, पहला योगा आर्टिस्ट जो मेकअप कर रहा है, एम आई राइट? ये कर लो। कभी हुआ है कभी कि योगा करते करते किसी ने मेकअप किया है? मेकअप करते करते दो मिनट रुको मैं योगासन करती हूँ फिर मेकअप करूँगा, आप समझो आपकी पहचान क्या हो जाएगी? अरे वो लड़की मेकअप करती पर साथ में क्या करती है? योगा। अरे वो योगा करती पर साथ में क्या करती है? आपकी पहचान अलग बनानी पड़ेगी बॉस, नहीं तो बहुत सारे लाखों लोग मेकअप करते हैं, हजारों लोग योगा करते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपने आप में 24 घंटे ये सोचो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट हो जाऊं। संदीप सर पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया था, 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे, है माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, मैं चाय का दुकान है, मैंने आना, 10,000 विजिटिंग कार्ड। You are the first marketer of your company. You are the first cheerleader of your company. You are the first everything of your company. And try to be 24/7 entrepreneur. अगर आप हो, अगर आप makeup artist हो, try to be 24/7 for at least 5 years. फिर आप 10 दिन का holiday चले जाओगे, चलेगा। पर पहले 1,000, 1,200, 1,500 दिन अपने business के, अपने धंधे में 24 घंटे आपका हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब वही। आप दिन भर अपने धंधे के बारे में सोचोगे ना, ऐसा कोई सुपर पावर आपको मिल जाएगा, वो वैलेंटाइंस डे वाला फ्री चाय का, कि आपको फेमस बना जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब आप सिंगल लड़कियों के लिए फ्री मेकअप कर सकते हो, जैसे इन्होंने सिंगल लड़कों को फ्री में चाय दिलाई, ये कर सकते हो आप? इट्स अ नाइस आइडिया। सर मैं ग्रूम मेकअप भी कर सकती हूँ, बॉयज का मेकअप भी कर सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, उधर से उसका मेकअप करो, उधर से उसका सिंगल का करो, सिंगल को डबल कर दो। तो ऐसी मेकअप फॉर ब्रेकअप। थैंक यू अकान। और इन्होंने दो बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है, इन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। एक इन्होंने बोला कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो सक्सेसफुल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से राय लोगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ये वो, जिनको मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो कुछ भी बोलने लग जाएंगे, बल्कि उसमें से बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे इसमें कुछ नहीं पड़ा है। तो किसी ऐसे इंसान से जुड़ने की कोशिश करो जो ऑलरेडी मेकअप में एक लेवल पर है, जहां पर आप जाना चाहते हो। अब कैसे जुड़ोगे? उनको लिखो, ईमेल लिखो, लेटर लिखो, बैठे बैठे सोचो मत, करो। 2 को अप्रोच करो, 10 को करो, 100 को करो, 200 को करो, जो भी टॉप के लोग हैं सबको अप्रोच करो। 200 को करोगे पक्का है 2-3 की कॉल तो आई जाएगी। Absolutely. एज एन असिस्टेंट के लिए, दैट इज वन। दूसरा, इन्होंने एक और कमाल की बात बोली थी, इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड्स बांटे। जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो जो भी मिलते, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक का। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स लो, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज। मैंने जो आपके सेशन में अप्लाई किया था 2019 में, मतलब 2019 में किया, पिछले 3-4 साल से वेट कर रही हूँ सर, आज जाके नंबर आया है। सो थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हुआ। और मेरा सर से क्वेश्चन है कि सर क्या जॉब और बिजनेस साथ साथ कर सकते हैं? और जब आपने स्टार्ट किया था अपना MBA का बिजनेस, तो उससे पहले आपने सोचा था कि चाय का मतलब बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है, क्या था आपका? ये जॉब और बिजनेस की ना लंबी लड़ाई चलती है, हमेशा हर आदमी आके पूछता है। तो पहली चीज़ तो है ना, ये जरूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बने बॉस। पहली बात तो अपने आप में देखो कि बिजनेसमैन बनना कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया आपको, एम आई राइट? दूसरा, जॉब और बिजनेस में आपको अपनी चुनना पड़ेगी, आपको जिंदगी जीना कैसी, अपने हिसाब से जीनी, अपने अपने ढंग से जीनी है। जब चाहे आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी, तो आप बिजनेस चुन सकते हो। पर जॉब भी खराब नहीं है, अगर आप जॉब में चालू कर रहे हो तो सोचो 10 साल 15 साल में आप MD CEO बनने की सोचो, हो सकता है बिजनेस से ज्यादा सैलरी आपकी हो।
कोई सीईओ एमडी बनने के लिए नहीं जाता है, वो क्यों आप में अप्रोच नहीं है। दूसरी चीज, मैं खुद मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था जब मैंने अपना चाय का ठेला चालू किया, तो 9 से 3 मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करता था और 1-2 घंटे का आराम करके शाम को 6 बजे अपना चाय का ठेला लगाता था, 6 से रात की 11:30। आप बोलोगे चाय का धंधा सुबह नहीं, क्योंकि सुबह मेरा अप्रोच नहीं था, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी थी, फिर एमबीए कॉलेज मेरा चालू हुआ। तो आप एक काम ऐसे करो, आपका आपका जॉब इतना लंबा चल रहा है, ट्रैक बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस का ट्रैक लाना चालू करो, एक एक ईट बिजनेस की अप्रोच का, इधर से फाइनेंस भी आएगा, इधर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, माँ बाप को भी अगर सेटिस्फाई करना है तो भैया कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। यहाँ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, 10 घंटे की जॉब के साथ 3 घंटे आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, मैं राइट और रॉन्ग? यस सर। फिर जिस दिन लगे कि ये वाली जो गाड़ी है आपकी जॉब से ड्रून 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 चल रही है, ड्रून हो जाएगी बिजनेस, तो जॉब छोड़ देना। आपको अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी वक्त, अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, अपने पैसे की कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी, परिवार, आप किस परिवेश से आते हो, देश के किस हिस्से में रहते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ध्यान रखना जिंदगी का, हो सकता है जो चाय मैं अपने गांव में, अपने धार जिले में बेचता मध्य प्रदेश के, वो वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अहमदाबाद में मिली है। यही सेशन, इतना ज्ञान अगर मैं कहीं बातों में, कहीं मेरी सोसाइटी में, अपने चौराहे पे देता तो 3 लोगों की ताली बजाते हैं, ये करोड़ों लोगों के पास जाएगा। मैं राइट और फैक्ट है सर, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता था, तो आप अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करते थे? रिलेशन मतलब फैमिली सर, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपको? यार मैं उस टाइम पे, मैं सच बताता हूँ इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर, मैं पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी के नहीं, सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलता हूँ, आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई। आज मैं उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस, ना परिवार, मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था। क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, संदीप सर के साथ सो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए सबको मोबाइल बंद है ना तो वही था, मैंने सबका एग्जिस्टेंस को नील कर दिया था, जीरो। मजा आ रहा है सबको? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लगे रहो। ये बड़ी कमाल की ऑडियंस है, 2-2 साल से, 4-4 साल से वेट कर रहे हैं आने का, और अब फाइनली ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। थैंक यू। तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल किस लेवल की होगी। आई एम श्योर आपने भी आज से पहले ऐसी ऐसी एनर्जी नहीं देगी सर, ये एनर्जी अलग ही है। ये तो वो चाय उबलती है, वो बाहर हो रही है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप हमेशा से MBA चाय, मतलब चाय बेचना ही चाहते थे। आप में से कितने लोगों को मैं अगर बोलूं कि आप चाय का ठेला लगाओगे, कितने लोग अभी लगा सकते हैं? हाथ खड़ा करो। झूठ, झूठ है, झूठ है सर। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही थिंग था कि मेरे को भी नहीं लगाना था, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। मैं फूडी पैशनेट आदमी नहीं हूँ, मुझे खाने की समझ नहीं। आज भी 5-स्टार होटल में जाता हूँ, रहता हूँ, मुझे ऑर्डर करते नहीं आता, आप समझ रहे हो? मुझे आज भी खाने का समझ नहीं है, दाल रोटी खिचड़ी पनीर की सब्जी के अलावा कोई चौथी चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकता, आप समझो। मैं कभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस दुनिया में आते हैं ना, देश में, जो बेकरी का शॉप, केक का शॉप या चाय का शॉप डालते हैं, वो शायद पैशनेट फूडी होंगे। मुझे बनाने का शौक है, खिलाने का शौक है तो बनाते। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। एक मिडिल क्लास परिवार से मैं आता था, तो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बिजनेस करने के पैसे भी नहीं थे, और अगर पैसे माँ बाप से ले लेता और नुकसान हो जाता तो क्या करता? मैंने चाय चुनी है जानबूझ के, कभी सोचा नहीं था कि चाय का ठेला लगाएंगे। 2500 धंधे सोचे, ये नहीं, चाय पे आके रुक गई गाड़ी। क्यों? क्योंकि चाय में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 8000 का ही था, मैं राइट? दूसरा, पूरे देश में एक साथ पानी के बाद कोई ज्यादा, सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है वो है चाय। तमिलनाडु में भी चाय मिल जाएगी, कश्मीर में मिल जाएगी, कन्याकुमारी में मिल जाएगी, कच्छ में भी मिल जाएगी, पर वड़ा पाव पूरे देश में नहीं चलता, आलू का पराठा पूरे देश में नहीं चलता। तो मेरा विजन उस टाइम से कनेक्ट था कि आज भले चाय का ठेला चालू करेंगे, पर आज नहीं तो कल दुकानें पूरे देश में होनी चाहिए बॉस। तो वही सवाल का जवाब था कि चाय मेरे को चुनी नहीं। वही जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत, तो मेरी चाय से शादी हो गई। सर आपने एक बात कही कि जिससे शादी करते हैं उससे मोहब्बत कर लो, अगर मोहब्बत वाले शादी ना हो पाए तो। सर आपकी लैंग्वेज में बिजनेस का कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने जिससे मोहब्बत की थी उससे शादी नहीं हुई, उसके बाद जिससे शादी की उससे मोहब्बत कर ली, लेकिन
अभी ना जिससे पहले मोहब्बत थी वो वापस आ रही है अपॉर्चुनिटी दोबारे एक बार घूम के अपॉर्चुनिटी घूम के वापस आ रही है तो क्या पहली वाली को तलाक दे दूं या फिर जिससे शादी हुई थी वो बदले में उतनी मोहब्बत दे भी नहीं रही है तो क्या उसे तलाक दे के आगे बढ़ जाऊं पुराने वाली को पकड़ लूं या फिर जिससे शादी हुई है उस पे ही टिका रहूं जवाब दीजिए जनता जवाब मांग रही है भाई तलाक दे दो यार तलाक भी है मतलब ये तो कोर्ट मतलब लीगल है ना तलाक भी तो तुम तो दे ही दो बॉस क्योंकि जिंदगी पूरी पड़ी हुई है तलाक दे के शांति पकड़ो और अपने काम पे पूरा हाँ, क्योंकि सर वो वापस आ गई है और कह रही है कि आजा जिलाऊंगी साथ जितना तुम बात कर रहे हो तुम भी जाना चाहते हो वहां पे बिल्कुल सर आप काम की बात कर रहे हो हाँ, बिल्कुल सर रिलेशन नहीं है लेकिन घुमा फिरा करके सर की लैंग्वेज से ही रिलेट कर दिया मैंने बिल्कुल सही किया आपके लेक्चर सुन सुन के सर दिमाग खुल गया मेरा जूता मेरे को गीला करके मारा है भाई ने थैंक यू सो मच सर बहुत बढ़िया भाई और ये सिर्फ ना बिजनेस तक ही रखना है आपसी जीवन से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है आपके मेरा क्वेश्चन ये है आपको कभी लगता नहीं है कि मतलब मेरी लाइफ में एक लड़की होनी चाहिए जो मेरी केयर करे जिसके साथ मैं घूमूं टाइम स्पेंड करूं यार होना तो चाहिए और है भी देखो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे लड़की का हाथ तो ज़रूर होता है उसको भी अपनी ज़िंदगी में आगे सक्सेस में हम लोग सपोर्ट में लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा प्यार हो सकता है कि चल वहाँ आइसक्रीम खाने चलते हैं वहाँ कॉफ़ी पीने चलते हैं वो नहीं होगा चाय पीने चलते आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है एक गिफ्ट है हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग